हमीरपुर में निजी बस ऑपरेटरों की मनमानी अब नहीं चल सकेगी और अगर किसी बस ऑपरेटर ने लोकल सवारियों को बस में बिठाने से मना किया तो उसकी खैर नहीं। हमीरपुर आरटीओ प्रभात चौधरी ने एक मुहिम के तहत इस तरह की शिकायतों के निदान के लिए औचक निरीक्षण अभियान शुरू कर दिया है, जिसके तहत न केवल निजी बसों का निरीक्षण कर चालान काटे जा रहे हैं बल्कि उन्हें ऐसा न करने की हिदायतें भी दी जा रही हैं। आरटीओ हमीरपुर ने साफ तौर पर प्राइवेट बस ऑपरेटरों को निर्देश दिए हैं कि लोकल सवारियों के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से पेश आएं और लोकल सवारियों को भी बस में बैठने का अधिकार है। आरटीओ प्रभात चौधरी ने कहा कि बस में बैठने से इनकार करने वाले बस ऑपरेटरों से सख्ती से निपटा जाएगा। गौरतलब है कि निजी बस ऑपरेटरों के द्वारा लोकल सवारियों को न बिठाए जाने की शिकायतें आरटीओ कार्यालय पहुंची है, जिस पर अब आरटीओ ने ऐसे बस ऑपरेटरों के खिलाफ सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। साथ ही कंडक्टर पहले लॉन्ग रूट की सवारियों को बिठाने के लिए लगे रहते हैं और लोकल सवारियां बैठने से रह जाती हैं, जिस पर अब आरटीओ ने ऐसी बसों पर शिकंजा कसने के लिए योजना बनाई है। मैं तो कोई भी कंडक्टर किसी भी सवारी को मना नहीं कर सकता है। यहाँ पर होता है पहले आया पहले बैठा, उसके बाद बाकी सवारी बैठ सकती है। जो जैसे जैसे नंबर आता है उसका नंबर आता है उस सब से बैठते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दिक्कत आ रही है हमें दिक्कत जो आ रही है वो पहले वो कंडक्टर खड़ा हो जाता है दरवाजे के ऊपर। दरवाजे पर खड़ा होने के बाद वो लॉन्ग रूट की जो दूर की सवारियां हैं उनके लिए वो आवाज लगाता है कि वहां के बंदे आ जाओ वहां के। जब वो सीटें फुल हो जाती हैं फिर लोकल सवारियों को यदि हो तो ओवरक्राउड बसें होती हैं उनको बढ़ाते हैं, जबकि वो ओवरक्राउड नहीं होनी चाहिए, उतनी सीट बैठना चाहिए जितनी होती है। उसके ऊपर ही हम कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, जल्दी कार्रवाई कर रहे हैं कि ताकि सबका राइट है, जो लोकल सवारियों का है उनका भी राइट है कि हम बस में बैठे। किसी के पास पावर नहीं है मना करने की कि आप अपनी बस में नहीं चढ़ सकती है। ये तो मेरे संज्ञान में आया है काफी कि बसें संडे को नहीं चलती है, अपने रूट पे नहीं चलती है। लेकिन क्या होता है कि इन्होंने हमारे से शॉर्ट परमिट लिए होते हैं, ये शादियों में शॉर्ट परमिट लिया होता है तो वो उसका रूट कैंसिल होता है, उस दिन वो बाहर जाती है गाड़ी बाहर जाती है। और दूसरा रीजन होता है कई बार इन्होंने अपने जो परमिट है वो भी हमें डिपॉजिट कराए होते हैं, इस कारण भी बस नहीं चलती है। दो कारण, लेकिन ठीक है, आपका कहना ठीक है कि बस वो नहीं चलती है संडे वाले दिन, छुट्टी वाले दिन उनको पता कि छुट्टी है तो हम क्यों चलाएं। लेकिन सवारियों को दिक्कत तो होती है उसमें भी, लेकिन हम उसके ऊपर भी कार्रवाई करने जा रहे हैं। संडे को भी हम छापे मारने जा रहे हैं कि जिस रूट पे बस चलती है क्यों नहीं चल रही है, उसकी जवाब तौली भी हम करने जा रहे हैं। जैसे मेरे को शिकायतें मिल रही है मैं उसकी जवाब तौली भी करूंगा कि क्यों बस चल रही है संडे को भी। वो ऐसा नहीं है, शॉर्ट परमिट जो हम देते हैं वो मान लो कि अगले दिन मैरिज है तो पहले दिन हम उनको शॉर्ट परमिट दे देते हैं, लेकिन वो इंटीमेशन नहीं कर पाते। इंटीमेशन भी करना चाहिए उनको, वैसे इंटीमेशन कर नहीं पाते हैं वो कि आज हमारी बस नहीं जाएगी। ऐसा तो है ही है, पर अब ये प्रोविजन यही है कि हम शॉर्ट परमिट को मना भी नहीं कर सकते हैं। हम लोग हमारे तीन तीन चार चार दिन का मांगते हैं परमिट, लेकिन मैंने ये किया है एक दिन से ज्यादा शॉर्ट परमिट नहीं देता हूँ, यहाँ से शॉर्ट परमिट नहीं देता। उन्होंने तो 7-8 दिन के लिए लिखा होता केवल हमें शॉर्ट, क्योंकि वो रूट में नहीं जाते, दूर जाना चाहते हैं। लेकिन मैं रखा हुआ है मैक्सिमम 2 दिन का मैं शॉर्ट परमिट देता हूँ, 1000 शॉर्ट परमिट देता नहीं हूँ।